नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम लेकर पढ़ाई पूरी की है या फाइनल ईयर में हैं और वे पीजी में एमए एमएससी एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन की जो प्रक्रिया है एमए एमएससी एमकॉम की चांसलर पोर्टल के माध्यम से चालू कर दी गई है। ठीक है, इनके जो सीटें हैं वीवी पीजी विभाग धनबाद और बोकारो में कुल सीटें 3312 रखी गई है। ठीक है, इसमें विश्वविद्यालय पीजी विभाग में 2424 सीटें हैं। वहीं आपका एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में आपका 408 सीटें रखी गई है। उसी प्रकार आपका आरएसपी झरिया में 320 सीटें हैं। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 160 सीटें निर्धारित की गई है। ठीक है, इनके जो फीस है आपका एडमिशन की प्रक्रिया के आपको जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका फीस 100 रुपीज़ रखा गया है एमए एमएससी एमकॉम कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब हम आपका जो शेड्यूल है इनका इसके बारे में हम पहले आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल फॉर ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर एमए एमएससी एमकॉम कोर्सेज सेशन 21-23 के लिए। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है चांसलर पोर्टल के माध्यम से की गई है, जो आपका 22 अक्टूबर से लेकर आपका 6 नवंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एडमिशन की जो प्रक्रिया है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कॉलेज के तथा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आपका फर्स्ट सिलेक्शन का जो लिस्ट है आपका निकाला जाएगा 11 नवंबर 2021 को। ठीक है, अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपका फिजिकल जो वेरिफिकेशन है ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आपका एंड आपका जो क्लास का जो रोल नंबर है अलॉट किया जाएगा 22 नवंबर से 20 नवंबर 2021 के बीच। ठीक है, आपका जो क्लासेस है स्टार्ट कर दिया जाएगा 22 नवंबर 2021 को। अगर आपने फीस इस दौरान आपने नहीं किया है तो आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी का है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के लिए 22 नवंबर 2021 को आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जितने भी आपका लिस्ट निकलेगा उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहता है तो आपको जितने भी कॉलेजेस हैं वे अपना यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि मेरा इतना सीट आपका खाली है। ठीक है, इसके लिए आपको 23 से 24 नवंबर 2021 के बीच उनको सबमिशन करना है। उसके बाद आपका जो अगर सीट बचता है तो आपका पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट का 28 नवंबर 2021 को निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका भी जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आपका रोल नंबर जो अलॉट किया जाएगा 29 नवंबर से 4 नवंबर के बीच किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी फॉर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का आप 6 दिसंबर 2021 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद सबमिशन ऑफ क्लास रोल नंबर एंड माइग्रेटरी सर्टिफिकेट आपका 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 के बीच कंप्लीट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड आपका दिया जाएगा 13 से 20 दिसंबर 2021 के बीच। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो जितने भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपका समय समय पर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जो जितने भी आपका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपका जो भी आपने मार्क्स डाला है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद आपका जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने डाला है, ठीक है, तो आप जैसे एससी एसटी बीसी 1 बीसी 2 तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना होगा। ठीक है, और वो भी झारखंड गवर्नमेंट का होना चाहिए, अगर अदर स्टेट का इसमें कोई भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप यस किए हुए हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, इश्यूड फ्रॉम झारखंड गवर्नमेंट वाली लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, उसके बाद का जो अगर पहले से करवा के रखें तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर एनसीसी कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट आपका दिखाना होगा। ठीक है, अगर डिजेबिलिटी है तो 40% डिजेबिलिटी तो सर्टिफिकेट इशू करना दिखाना होगा। ठीक है, अगर ये सब चाइल्ड विडोज ऑफ एलिजिबल आर्म फोर्सेज ये सब कुछ है तो आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगर जो भी ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है आपको अपना पर्सनल ही डालना है। ठीक है,
क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको देना होगा तो उसी में आपको दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में अगर किसी तरह का आपको गलती हो गया, ठीक है, तो आप इसमें लॉगिन करके चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाकर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फुल नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी और मदर नेम इन हिंदी, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो क्रिटेरिया है कास्ट सर्टिफिकेट का, कास्ट अगर आपने डाला है BC1 डाला है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे BC2 रहे, चाहे SC ST कुछ भी डाले हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बोर्ड का नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने भरा है कि आपने ग्रेजुएशन इससे किए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट या अदर एकेडमिक डिटेल्स आर नॉट एडिटेबल, आप एडिट नहीं कर, ठीक है। इसलिए जो भी आप फॉर्म भरें उसको ध्यानपूर्वक आपको सबमिशन करना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म अगर ग्रेजुएशन के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप अगर आपने 3 ईयर का डिग्री कोर्स किए हैं और PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देख लीजिएगा अपना जो 800 में जितना भी आपने मार्क्स लाया है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपने सेमेस्टर वाइज BA BSc BCom का ऑनर्स पेपर का अगर आपने सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको 14 कोर्स पेपर और 4 DSc पेपर को मिलाकर जो 1800 में जितना मार्क्स आया उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है, मार्क्स आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने BA BSc BCom में अगर जनरल से आपने पास किया और MA MSc MCom करना चाहते हैं तो 2100 में जितना मार्क्स लाए हैं उसको आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, ठीक है, उसमें आपको फाइनल मार्कशीट अपने पास ही रखना है, ठीक है। गलत इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डालिएगा नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिए, उसके बाद आधार कार्ड या कोई भी अदर ID प्रूफ है तो वो रखिए, ठीक है, ठीक है। मेरिट पॉइंट के अनुसार जो भी मार्क्स हमने बताया वो आपको डालना है, फिर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको वहाँ पे फिलअप करना है। जितने भी आपका सीटें हैं यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जितना भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ और जो आपका विनोद भारी महतो यूनिवर्सिटी के जितने सीटें हैं तथा जितने भी कॉलेजेज हैं जितने सीटें हैं यहाँ पे आपका दिखा रहा है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है, ये जितने भी आप फॉर्म भरेंगे बहुत सावधानी से आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चांसलर पोर्टल ये है आप, ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी .NIC.IN में जाना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रक्रिया है आपको पूरी करना है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना तो डोंट हैन अकाउंट में जाके आप ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड डाल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जितना भी कॉलेजेज हैं जैसे NPU, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसका जो UG का जो एडमिशन है 21 अक्टूबर से अभी 25 अक्टूबर तक आपका चल रहा है। अगर किसी विद्यार्थी का UG में एडमिशन नहीं लिए हैं तो इस डेट तक अपना यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, ठीक है। विनोद भावे यूनिवर्सिटी का, ठीक है, PG में एडमिशन आप 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विनोद बिहारी महतो का आपको मैंने पहले ही बता दिया, UG के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर BA BCom BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है अभी चालू है, 10 अगस्त से आपका 30 अक्टूबर के बीच आप ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं UG के लिए। और PG का आपका तो मैंने बता दिया 22 अक्टूबर से आपका 6 नवंबर तक आपका चलेगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।